नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। स्त्री की कुंडली के माध्यम से कैसे आप जान सकते हैं कि कुंडली में वैधव्य योग है कि नहीं है? ये वैधव्य योग जो है पति का सुख छीनते हैं, लेकिन बहुत सारे मैटर में आप यह भी देखेंगे पति की मृत्यु ना हो तो भी वैवाहिक जीवन एकदम नारकीय रहता है, संबंध विच्छेद या फिर बहुत ही नारकीय वैवाहिक जीवन के साथ साथ जीवन साथी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इन योगों को मैं पहले समझा देता हूँ आपको कैसे देखना है, फिर उसके बाद कुछ उदाहरण कुंडलियाँ मैंने ली हुई हैं, इन उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा भी। पहले मैं कुछ सूत्र दे रहा हूँ, आप उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। ये जो हमारा कुंडली का सप्तम भाव होता है, ये हमारे विवाह का और दाम्पत्य का भाव होता है। अब मान लीजिए सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह हो तो सप्तम भाव क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है। सप्तम भाव में नीच का ग्रह हो और इस भाव पर शनि की दृष्टि हो, सप्तम में नीच का ग्रह हो और शनि की दृष्टि चाहे सप्तम भाव पर हो या सातवें भाव के स्वामी पर हो तो वैधव्य योग बन जाता है। यह आपके मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, पति की जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। यहाँ पे जिन वैधव्य योगों की चर्चा हो रही है, देखिए वैधव्य योग बहुत ज़्यादा लोगों स्त्रियों में आ सकता है, लेकिन वह जीवन बीतने के बाद लगभग पूरा जीवन जी लेने के बाद हो रहा है तब वह दुखदायी उतना नहीं है, लेकिन अर्ली एज में हो जाना ज़्यादा दुखदायी होता है। तो पहला नियम है सप्तम भाव में नीच का ग्रह हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो या सप्तमेश जो भी ग्रह है उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो। अगर सातवें भाव का स्वामी भी मान लीजिए कहीं नीच का हो गया, सप्तम में नीच का ग्रह है, सप्तमेश भी नीच का है, अब शनि की दृष्टि चाहे सप्तम पे पड़ जाए चाहे सप्तमेश पे पड़ जाए, तीसरी सातवीं या दसवीं कोई दृष्टि, अब अगर सप्तम में नीच का ग्रह सप्तमेश नीच है तो शनि की दृष्टि ना भी पड़े, राहु की पड़ जाए, मंगल की पड़ जाए, केतु की पड़ जाए, तो भी यह योग जो है दाम्पत्य के लिए बहुत ही परेशानी वाला योग लेकर के आता है, यह भी योग काफ़ी परेशान कर देगा। तो ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देख लीजिए, ये जो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव होता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। स्त्री की कुंडली में जो द्वितीय भाव है यह क्या है? कुटुंब है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी स्त्रियों को लड़के के परिवार वाले घर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे एक राजनीतिक महिला हैं अभी भी हैं और विवाह के बाद उनको और उनके पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी कुंडली में भी यह योग था। द्वितीय भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो और उस पे शनि की दृष्टि हो, यानी शनि बारहवें में होगा तो तीसरी दृष्टि जाएगी, शनि अष्टम में होगा तो शनि की सातवीं दृष्टि जाएगी और शनि जो है अगर पंचम भाव में होगा तो शनि की दसवीं दृष्टि जाएगी। द्वितीय भाव में मंगल हो उस पर शनि की दृष्टि पहुंच जाए तो भी यह योग लागू हो जाता है। वैधव्य योग भी लागू होता है, साथ ही साथ ससुराल से, ससुराल के लोगों से घोर अपमान की भी प्राप्ति हो, घर से निकाल दिया जाए, ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं। इसी चीज़ को रिवर्स कर दीजिए, मंगल ना हो सप्तम में बल्कि शनि बैठा हो, सप्तम में शनि महाराज बैठे हो और मंगल की दृष्टि आ जाए, एक तो हो गया मंगल हो शनि की दृष्टि आए, दूसरा शनि बैठा हो और मंगल की दृष्टि आए, मंगल एकादश में होगा तो चौथी दृष्टि से देखेगा, मंगल अष्टम में होगा तो सातवीं दृष्टि से, सप्तम में होगा तो आठवीं दृष्टि से देखेगा, तो भी ससुराल में घोर अपमान का योग बन जाता है। कुछ ऐसा कलह या ऐसी पीड़ा मिलेगी जो आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन करके हमेशा के लिए आपके हृदय में बनी रहेगी। तीसरा देख लीजिए, सप्तम भाव में कई क्रूर ग्रह एक साथ हों। क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य है क्रूर ग्रह,
मंगल है क्रूर ग्रह, शनि है क्रूर ग्रह, राहु है और केतु है क्रूर ग्रह। सप्तम भाव में अधिक क्रूर ग्रहों का होना भी दाम्पत्य को खराब करता है, तलाक दिलवाता है, वैधव्य का योग बनाता है। अब सप्तम भाव में कई क्रूर ग्रह हों, तो जैसे मान लीजिए सप्तम में सूर्य हो गया, सप्तम में मंगल हो गया, दो क्रूर ग्रह हो गए। अब चाहे तीसरा क्रूर ग्रह यहीं बैठा हो, चाहे दृष्टि डाल रहा हो, कम से कम दो क्रूर ग्रह अगर मिल गए आपको, तो तीसरा क्रूर ग्रह चाहे यहीं साथ में मिल जाए, चाहे उसकी दृष्टि आ जाए, तो भी वैधव्य योग बन जाता है। स्त्री की कुंडली में गुरु बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी उदाहरण में दूंगा तो देखिएगा, गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पति का कारक होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में गुरु थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा क्या अच्छा होगा, तो ये जो दुर्योग और वैधव्य बनते हैं इनको रोकने का काम करता है, वैधव्य योगों को रोकता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु क्या कर रहा है, क्या गुरु नीच का है, गुरु 6, 8, 12 में है, या जो ग्रह दुर्योग बना रहे हैं कहीं वे गुरु के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में तो नहीं आ रहे, आ जाएंगे तो जो कमियां हैं उसे गुरु दुरुस्त करने लगेगा। तो सप्तम भाव पे दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव, दो क्रूर ग्रह बैठे हों और तीसरा क्रूर ग्रह चाहे साथ में बैठे चाहे देखे। अब इसी प्रकार से अगर क्रूर ग्रह ना भी बैठा हो, सिर्फ क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहे हो, कितने क्रूर ग्रह, 3 क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहे होंगे, तो भी यह योग लागू हो जाएगा। अच्छा, इन योगों की जब आप समीक्षा करिएगा कुंडली में, तो एक चीज़ और देखिएगा विशेष रूप से, ये सारे योगों की समीक्षा तो करिएगा ही, साथ ही साथ स्त्री की कुंडली में शनि और चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं चंद्रमा पर शनि की तो दृष्टि नहीं है, या शनि चंद्रमा साथ में तो नहीं है। अगर शनि के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो, शनि चंद्रमा साथ में हो, तो ऐसे लोग कभी भी एक जो दिल का सुकून है, एक आत्म आनंद है अपने ससुराल में, वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मतलब किसी का शनि चंद्रमा एक साथ है, विवाह हुआ, गए ससुराल में, ऐसा ज़्यादातर होगा कि ससुराल के लोग सिर्फ ये समझेंगे कि करो और खाओ। उस व्यक्ति की स्वयं की फीलिंग, आकांक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस पे व्यक्ति कोई अटेंशन नहीं देता है। ऐसा अक्सर जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो या शनि चंद्रमा साथ में हो तो भी होता है, विष दोष बोलते हैं ना। और यह अगर अन्य योग जो अभी मैं बता रहा हूँ वो भी बन रहे हैं और यह भी आ गया, तो वैधव्य योग और प्रबल हो जाता है। अगला योग है आपका, जो सातवें घर का स्वामी है वह अष्टम में चला जाए, क्योंकि अष्टम क्या होता है, मृत्यु भाव ऐसे भी होता है, जो ग्रह जाएगा जिस भाव का स्वामी, उस भाव का सुख हमारे जीवन से छीना जाएगा। और अगर हम सप्तम से ही देखें तो ये दूसरा भाव होता है, यानी पति के लिए मारक भाव भी होता है। तो अगर सप्तमेश अष्टम में गया हुआ हो और सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम भाव पीड़ित हो यानी कि सप्तम में क्रूर ग्रह हो, सप्तम भाव क्रूर कर्तरी में हो, सप्तम भाव में बैठा ग्रह नीच का हो, विष्णु मांस का हो, तो सप्तम पीड़ित हो जाता है। सप्तमेश अष्टम में गया हो या अष्टमेश सप्तम में आया हो और सप्तमेश पीड़ित हो जाए, यानी सातवें आठवें का, एक सातवें का स्वामी आठवें में गया हो या आठवें का सातवें में आया हो और भाव का स्वामी कमजोर हो, तो भी वैधव्य योग बनता है। हालांकि ये थोड़ा देर से घटित होने वाले योग हैं, अर्ली एज में नहीं आता है, अगर कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा सही है। बृहस्पति और चंद्रमा बहुत प्रोटेक्ट करते हैं स्त्री के सुहाग को, तो इसलिए बृहस्पति चंद्रमा सही होने पर जो दुर्योग है वो जल्दी घटित नहीं होने देते हैं। तो चंद्रमा और गुरु को जरूर देखिएगा, सुहाग के कारक ये दोनों ग्रह हैं, चंद्रमा और गुरु। गुरु जो है पति की आयु और चंद्रमा जो है पति से संतुष्टि, सुख, पति के साथ कितना दिल का मेल है, भावनाओं का मेल है, ये चंद्रमा, और गुरुपति के आयु को इंडिकेट करता है। इसलिए गुरु और चंद्रमा अच्छे होने पर छोटे मोटे दुर्योगों का असर अपने आप खत्म हो जाता है। अगला कुछ विशिष्ट योग हैं जिनको हमें समझना है।
ये विशिष्ट योग अलग प्रकार से, इसमें कोई नियम नहीं है, सीधे सीधे अप्लाई कर देना है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हो, व्यक्ति मतलब स्त्री, किसी स्त्री का जन्म, इसको सीधे सीधे अप्लाई करना, किसी स्त्री का जन्म मंगलवार को हुआ हो और उस दिन सतभिषा नक्षत्र रहा हो, मंगलवार को जन्म हो और सतभिषा नक्षत्र हो और तिथि सप्तमी या द्वादशी हो, सप्तमी या द्वादशी तिथि हो, इतनी चीज़ें मैच हो जाएंगी तो भी वैधव्य योग बनेगा। मंगलवार का जन्म, उस दिन सप्तभिषा नक्षत्र रहा हो जन्म के समय, सप्तमी या द्वादशी तिथि रही हो तो भी वैधव्य योग बन जाता है। इसे आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा भी नक्षत्रों से ही जुड़ा हुआ नियम है, उसे देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का यानी स्त्री का जन्म शनिवार को हुआ हो, जन्म शनिवार को हुआ हो, नक्षत्र कृतिका रहा हो, सूर्य का नक्षत्र कृतिका रहा हो शनिवार के दिन और सप्तमी तिथि रही हो, तो भी ऐसी स्त्री को पूर्ण दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। पति की मृत्यु अल्प समय में या अनुचित समय में हो जाने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार का एक तीसरा सूत्र है, उसे देख लेते हैं। रविवार का जन्म हो, स्त्री का जन्म किस दिन का हो, रविवार का जन्म हुआ हो, रविवार, शनिवार वाला तो इसमें शनिवार भी शामिल कर सकते हैं, यानी शनिवार से जुड़ा दो नियम है। एक तो अभी ऊपर देखे, रविवार या शनिवार का दिन हो और नक्षत्र जो हो अश्लेखा नक्षत्र में जन्म हुआ हो, अश्लेखा नक्षत्र में जन्म हुआ हो और जो है तिथि जो है कोई भी हो, विशेष रूप से सप्तमी अष्टमी होगी तो, या कोई भी तिथि हो तो भी यह बात लागू हो सकती है। रविवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र में, शनिवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र में जन्म का होना पति सुख में कमी कर देता है। अगर तिथि भी सप्तमी अष्टमी है तो इसकी उग्रता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी भी स्त्री की कुंडली में सातवें भाव का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, सप्तम भाव में बैठे ग्रह को देखेंगे, सप्तम भाव में या सातवें भाव का स्वामी नीच का है तो पीड़ित हो रहा है, अस्त है तो पीड़ित हो रहा है, विष्णु मांस में है तो पीड़ित हो रहा है, मृत्यु भाग में है तो पीड़ित हो रहा है, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो रहा है तो पीड़ित हो रहा है, देख लेंगे। सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह या सातवें भाव के स्वामी पर ये चीज़ें लागू हो रही हैं कि नहीं। इसके अलावा पाप कर्तरी में होगा तो पीड़ित होगा। अगर सातवें भाव में बैठा ग्रह सातवें भाव का स्वामी इन बातों में फिट बैठ जाए और सातवें भाव या सातवें भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रह की दृष्टि चली जाए, एक से अधिक क्रूर ग्रह देखें, तो तलाक का योग या वैधव्य योग कुंडली में बन जाता है। अब आ जाइए उदाहरण कुंडलियों पे। शुरू से ही उदाहरण ले लेते हैं, पहले से मैंने मार्किंग कर रखी है क्योंकि ज़्यादा इस पे मार्कर नहीं चलाना पड़े और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकें। पहली कुंडली आपके सम्मुख है, यहाँ देखिए सातवें भाव का स्वामी शनि आठवें भाव में है, हालांकि अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन फिर भी सप्तमें षष्टम में गया हुआ है। अब यहाँ पर सातवें भाव पर तीन अशुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं। एक तो केतु की दृष्टि आ रही है, नौमी केतु यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की नौमी दृष्टि आ रही है, यानी एक क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई। दूसरा मंगल की आठवीं दृष्टि आ रही है, एक और क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई। गुरु की दृष्टि पहुंची है और नीच की दृष्टि है तो इसे भी अशुभ मानेंगे। कोई भी ग्रह जब उस भाव को देखे जहां उसकी नीच राशि है तो बहुत अशुभ प्रभाव देता है। विशेष रूप से गुरु जो सबसे शुभ ग्रह है, अगर वह अपनी नीच राशि को देखेगा तो उस भाव से जुड़ी पीड़ाएं अवश्य देगा। द्वितीय भाव में मकर राशि हो और गुरु की दृष्टि पहुंच जाए वहां पे, यानी गुरु की नीच दृष्टि, कर्ज की समस्याएं बहुत आएंगी। पारिवारिक संस्कार जो है, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग आपको पीड़ित करके रख देंगे।
तो यहाँ पे जो गुरु की नीच वाली दृष्टि है ये भी पीड़ित ही करेगी। साथ ही साथ सप्तमे शनि कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में जा करके बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कई सारे कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दो क्रूर ग्रह देख रहे हैं, गुरु भी नीच की दृष्टि डाला, सप्तमे अष्टम में गया है, इनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, यानी ज़्यादा अधिक दिनों तक, यहाँ पर जल्दी हो जाने का तात्पर्य 10-5 साल में अगर मृत्यु हो जा रही है तो उसे जल्दी ही मानेंगे। दूसरी कुंडली देख लीजिए, सिंह लगन की कुंडली है, 5 नंबर यहाँ है। लगन में शुक्र बुध और राहु, ये 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम जो पढ़ रहे हैं उसके लिए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, पहली चीज, सातवें भाव में क्रूर ग्रह बैठा है केतु, और सातवें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। कई बातें, छोटी छोटी कई बातें लागू होती हुई नजर आएंगे। एक तो यहाँ पर क्रूर ग्रह है, सप्तमे अष्टम में है, और इससे भी खास जो दूसरे नंबर का सूत्र मैंने दिया था कि द्वितीय भाव में मंगल हो, उस पर शनि की दृष्टि हो, शनि की सातवीं दृष्टि है, या शनि होता और मंगल की दृष्टि होती तो भी ये बात लागू होता। यही फैक्टर काफी था यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद अन्य फैक्टर क्या है, सप्तम में केतु है, सप्तमे अष्टम में है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर चली गई। अब जब ये छोटे फैक्टर बने हैं, वैसे मंगल पे शनि की दृष्टि द्वितीय भाव में बड़ा फैक्टर है, लेकिन यह योग ना भी होता तो भी ये बात लागू हो जाती, क्योंकि सातवें में क्रूर ग्रह केतु था, सप्तमें अष्टम में था, और गुरु भी नीच का है, और शनि पे चंद्रमा की दृष्टि भी है। देखिए, पति कारक गुरु भी नीच का होकर के ही तो बैठा है, वो भी नीच का कहाँ है, छठे भाव में है। पति की आयु का ये है कारक, और पति के द्वारा जो एक प्रेम, सांत्वना, सहानुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है, जो प्रेम का धागा बनता है पति पत्नी के बीच, वो चंद्रमा, इस पे शनि की दृष्टि। अगली कुंडली देखिए, मीन लगन की कुंडली है, 12 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस मीन लगन की कुंडली में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। मीन लगन की इस कुंडली में पहले तो सप्तम भाव में देखिए, दो क्रूर ग्रह सूर्य मंगल हो गए। इन दो क्रूर ग्रहों का होना ही पर्याप्त है, बुध इन दो क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है, तो दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, और तीसरे क्रूर शनि की दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि आएगी, और इसके साथ साथ राहु की 9वीं दृष्टि आएगी। कितना क्रूर इम्पैक्ट हुआ, एक तो सूर्य से, एक दूसरा मंगल बैठा है, तीसरा शनि की दृष्टि, चौथा राहु की दृष्टि, बहुत सारे यहाँ पर कमियाँ निकलते हुए जा रहे। चंद्रमा भी छठे भाव में है, तो प्रेम जो मिलना है वो चंद्रमा से मिलता है स्त्री की कुंडली में, तो इसलिए यहाँ पर भी वैधव्य योग ही हुआ है। जितनी कुंडलियाँ ली गई हैं, 4 उदाहरण मैंने लिया, चारों में वैधव्य ही है। डाइवोर्स, तलाक वगैरह की भी स्थिति बनती है ऐसे में, या तो मृत्यु ही हो, दोनों में से कुछ ना कुछ चीज़ें लागू होती, लेकिन इन चारों में पति की डेथ ही हुई थी। इस कुंडली पर देखिए, 10 नंबर की गिनती है, मकर लगन की कुंडली है। यहाँ पर भी चीज़ें एकदम सेम है, दो क्रूर ग्रह है, यहाँ पर तो मंगल शत्रु राशि में था, यहाँ पर मंगल नीच राशि में है, तो मंगल का इम्पैक्ट और ज़्यादा हो गया है। और जो सातवें भाव का स्वामी यहाँ पर था, वो भी पीड़ित था पाप कर्तरी में। यहाँ जो सातवें भाव का स्वामी चंद्रमा है, ये तो बहुत पीड़ित है, राहु के साथ हो गया, वैसे ही गड़बड़ है, और शनि की दृष्टि आ गई। क्या आप ये भी देख पा रहे हैं, इस कुंडली में बहुत तगड़े डिप्रेशन का योग है। ये आप लोगों को कमेंट करना है कि इस कुंडली में डिप्रेशन का बहुत तगड़ा योग कैसे बन रहा है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो यहाँ पर ये दो क्रूर ग्रहों का इम्पैक्ट हुआ, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ी, राहु के साथ ही है, क्रूर ग्रह के साथ होना, क्रूर ग्रह की दृष्टि में होना, दोनों पीड़ित करता है। शुभ ग्रह के साथ होना, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना, दोनों जो है पॉजिटिव संकेत देता है। गुरु जो कि पति का कारक है, वह छठे भाव में है, ये भी कुछ ना कुछ हानि करेगा। इनके भी पति की मृत्यु कम आयु में ही हो गई थी, अर्ली एज में ही विवाह के बाद हो गई थी। उम्मीद है जो विषयों को बताया हूँ उसको आप समझेंगे और अप्लाई करेंगे। अंत में एक जो नियम यह है कि बलि गुरु और बलि चंद्रमा,
पति सुख में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, ये भी याद रखना है।